सैक्रिफिकेट लाइफ है मिलिट्री की, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हमने सैक्रिफाइस किया, हमारे माता पिता ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उनके उनके बुढ़ापे में हम नहीं जा सके उनको देखने के लिए। तो ये बहुत, और ये हमारी ये अलग होती है, पूरी पूरी लाइफ अलग होती है। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आपकी शादी हुई? यस सर। तो एंगेजमेंट हुई थी? यस हुई थी। तो एंगेजमेंट में दोनों थे आप? यस सर। आप थे, आपकी बीवी थी, जो मंगेतर थी? यस सर। दोनों थे जी। कहीं आपने देखा कि एक के साथ ही मंगेत एंगेजमेंट हुई, ऐसा कभी देखा नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरी एंगेजमेंट मेरी एंगेजमेंट जो हुई, वो एंगेजमेंट में मैं नहीं था। दो दिन के बाद एंगेजमेंट होने वाली थी, वहाँ से टेलीफोन आया कि जहाज आ रहा है, आपकी लीव कैंसिल है और आप ये जहाज में बैठ के ड्यूटी पर ज्वाइन करो। फिर जहाज लैंड किया, नागपुर में था मैं, नागपुर एयरपोर्ट पे गया और निकल गया। दो दिन के बाद एंगेजमेंट की सब तैयारी हो चुकी थी और फिर मैं अपना उधर काम पे लग गया। फिर सात दिन के बाद मेरा माँ का लेटर आया कि तेरे एंगेजमेंट हमने कर दिए। तो ये अलग चीज़ है साहब, समझ सकते हो? तो अब यो पूरा जो जज्बा है मिलिट्री का अलग रहता है, उसके लिए तैयार होना चाहिए। और जैसे हम देखते हैं कि वो बाप बन जाता है मगर वो बॉर्डर पर रहता है, तीन तीन चार चार महीने के बाद आके उसको देखना दिखता है कि अपना बच्चा चार महीने का, पाँच महीने का दिखता है। मैंने भी अपने लड़के को दो महीने का देखा हूँ। ये सिविल में नहीं होता, सिविल में तो आपका बच्चा पैदा आपको ही रहती है, शादी होती है। मैंने मेरे भाई और बहने की शादी अटेंड की, ये सैक्रिफाइसेस होती है। इसके लिए आप यदि तैयार हो सकते हो तो आप मिलिट्री ज्वाइन करो। थैंक यू। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरी माँ बहुत सोशल वर्कर थी और 65 और की जब छिड़ी सब, तो ट्रुप्स की मूवमेंट होती थी, नागपुर में थी, नागपुर में वहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेनिंग गुजरती थी, मिलिट्री ट्रेनिंग गुजरती थी। तो वहाँ जाके उससे किचन खोला था और ये जो भी ट्रेन आती थी, जवान लड़ाई फ्रंट पर जाने वाले थे, उनको वो खाना खिलाती थी, क्योंकि उस तरफ वो ऐसा नहीं था कि इतना खाना लोगों को दे सके कोई, किचन बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इस तरह का भी मेरे माँ ने जो काम किया, उनके बहन उसके भगिनी मंडल ने जो काम किया कि इनको खाना खिलाने का, तो इस तरह की आप सोच सकते हैं, काफ़ी सोच सकते हैं, उस तरह के काम कर सकते हैं। सर आप कोई विचार नहीं चलता जब लड़ाई चल रही होती है, जो ड्यूटी लगी रहती है, ड्यूटी करनी रहती है और अटैक करना रहता है, दुश्मनों का पूरा जायजा लेना रहता है, बस उसी में पूरा टाइम जाता था। उसमें कुछ विचार की ना माँ बाप के विचार आते हैं, ना अपने फैमिली के विचार आते हैं, ना दोस्त के विचार आते, कुछ विचार नहीं आते, बस पूरा फोकस रहता है लड़ाई पर और बस लड़ाई जीतने पर फोकस रहता है। और ये सिखाया गया जाता है बेटी अगर मिलिट्री एकेडमी से, हमें सिखाया गया रहता है, ट्रेनिंग में सिखाया गया रहता है कि अपने ड्यूटी पर ये करो। और हमारा मोटो है कि सर्विस फर्स्ट, मतलब सर्विस फर्स्ट, उसके बाद में फैमिली वगैरह, उसके बाद में, समझ गए? मेरे फादर मदर ने बोला था कि अभी हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और हम अपनी जिम्मेदारी है कि ये देश की सेवा करना। मेरे फादर ने बोला, मेरे चार तुम लड़के हो, चारों, मैं कहता हूँ कि चारों ने सबसे अच्छी चीज़ देश सेवा के लिए है कि मिलिट्री ज्वाइन करना। उन्होंने हम चारों को मिलिट्री ज्वाइन करने की परमिशन दी, मेरे माँ ने भी परमिशन दी, और रोई नहीं ऐसे कि मेरा बच्चा जाया करके, हंसते खुशते हमको परमिशन दी। वो बहुत, वो भी वीर, बहुत वीर माँ थी और बहुत हिम्मत वाले मेरे फादर थे, हमें फ़ख्र है इनके ऊपर। फिर हम चारों बाप लड़कों ने, उनके चारों लड़कों ने हमें ज्वाइन किया, मिलिट्री ज्वाइन की एक के बाद एक। मैंने तीन लड़ाई लड़ी, मेरे छोटे भाई ने भी दो तीन लड़ाई लड़ी है, और 70 वॉर में हम एक साथ थे,
तो इस तरह की पूरे फैमिली ने हमारे देश की मदद की। अभी तो ऐसा है कि जैसे बच्चे होते हैं, अरे तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू ये कर वो कर, मजा कर मतलब, अगर वो तू कोई कोई डिफिकल्ट चीज़ में या तो जहाँ खतरा है वहाँ बच जाना बेटा, तू बस बैठ रहे ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बोलो जाओ। और अभी भी हम जो चल रही थी है, वहाँ जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, हमारा चीफ था, उन्होंने उनको ऑल्टरनेटिव दिया कि हम तुमको अभी तुम आप तो ईस्ट पाकिस्तान के बाहर नहीं जा सकते, बांग्लादेश नहीं बना था तब, ईस्ट पाकिस्तान के बाहर नहीं जा सकते, अच्छे अच्छी बात होगी कि आप सरेंडर करो नहीं तो खामा खामे मारे जाओ। तो 93,000 ट्रुप्स उनके हमारे उधर ढाका में, ईस्ट पाकिस्तान के ढाका राजधानी थी, वहाँ पर सरेंडर हुए और हमने फिर वो वहाँ के बंगाली मुस्लिम थे उनको हमने वो ईस्ट पाकिस्तान को हमने लिबरेशन दिला दिया और उन्होंने फिर उसका बांग्लादेश बना के हम लोग रह गए। तो हमने ये एक नया देश क्रिएट किया, हमारे काफ़ी लोग मारे गए उसमें, मगर ये देश हमने बना। एक तो हमें पता था कि लड़ाई होने वाली है क्योंकि वहाँ बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम, ये मतलब ईस्ट पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था और वहाँ पर लड़ाई का माहौल चालू हो गया था, तो हमें पता था कि लड़ाई होने वाली है, हम तैयार थे। और फिर पाकिस्तान ने लड़ाई चालू कर दी, 13 एयरफोर्स स्टेशन हमारे पर उन्होंने एक साथ हमला कर दिया, उसमें से भुज भी एक था, क्योंकि हम तैयार थे, हमारे को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ हवाई जहाज कुछ रनवे पर बॉम्ब गिरे जो कि रिपेयर हो गए फटाफट, हमने भी रिपेयर कर दिया भुज का रनवे और लड़ाई चालू हो गई। और उसके साथ जैसा भी दूसरा 4 तारीख को सुबह होते साथ फिर हमने नहीं उसी रात को 3 तारीख के रात को ही फिर हमारे बॉम्बर जो पुणे में थे उन्होंने पूरे फोर्स से कराची पर धावा बोल दिया, काफ़ी डैमेज किया उनके रनवे, उनका जो ऑयल डंप थे उनके बड़े बड़े ड्रम से उस पर आग लगा दी, तो काफ़ी वहाँ बॉम्बिंग करके उन लोग वहाँ लौटे। और जैसे सुबह हो गई तो हमने फिर हमला चालू कर दिया, पाकिस्तान के जहाज हमारे एयरपोर्ट पर आते थे हमारे जाते थे, वो सिलसिला चालू था, मगर उन्होंने ज़्यादातर पंजाब के हवाई अड्डों पर जाना चालू किया और हमने कराची पर जा रहे थे। और रात को फिर रेगुलरली उन लोग भुज पर आते थे, 3 तारीख को भी आए, 4 को आए, 5 को आए, 6 को आए, 7 को भी आए, छोटा मोटा डैमेज होता था उसको हम रिपेयर कर लेते थे। ये होते होते हमने उनके 2 जहाज मार गिराए 5 और 6 तारीख को, और 8 तारीख के रात को उन्होंने ये सोचा कि ये भुज को पूरा डैमेज करना है और हमको एंट्री लेना है कच्छ में, और ये भुज को जब तक डी हम बर्बाद करते तो हम इसमें एंट्री नहीं ले सकेंगे, तो उसको ये करने के लिए तो बस फिर उन्होंने फिर 8 बजे से शाम को जो बॉम्बिंग चालू की, 9 बजे 10 बजे 11 करते करते 6 बजे तक एक के बाद एक जहाज आते थे, बॉम्बिंग होती थी, जहाज आते थे बॉम्बिंग होती थी, और पूरा एयरफोर्स स्टेशन हिल रहा था और उसके साथ भुज टाउन भी हिल रहा था। तो भुज टाउन में इतनी घबराहट हो गई कि सब लोग वहाँ गांव छोड़ के भागने लगे, शहर छोड़ के भुज शहर छोड़ के भागने लगे, और सुबह तक करीब करीब पूरा भुज खाली हो गया, कोई वहाँ आदमी ये बता नहीं, जो भी उनको मिले वो चले, हमें तो पता नहीं था, मगर हम अपने जैसे सुबह हुई तो हमने देखा कि बहुत रनवे डैमेज हो गया, तो हमारे इंजीनियर ने कांटेक्ट करना चालू कर दिया हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो भुज में रहते थे, लेबर भुज में रहता था, पता चला कि इन लोग भाग गए,
हमने और कहीं से लेबर लाने का सोचा, कोई आने को तैयार नहीं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कलेक्टर को बताया, उन्होंने ट्राई किया, वो कोई आने को तैयार नहीं। हमने हमारे मिलिट्री को बताया कि हेलीकॉप्टर से फटाफट भेजो लोगों को रनवे रिपेयर करने के लिए, तो वो नहीं। और रनवे डैमेज होना वॉर में और नॉन ऑप्स होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक स्क्वाडन भी आना था वहाँ से, पंजाब से आना था, उसी दिन उसको हमें रोकना पड़ा कि रुको वहाँ पर, इतना बताओ। वो स्क्वाडन आता तो और हम कराची पर बहुत ज़बरदस्त हमला चालू कर देते, और वो नहीं आ सका कि हमारा रनवे ख़राब था। इस हालत में फिर हमने बोला कि चलो अब कुछ और सोचना पड़ेगा। तो याद आया कि मादापुर के जो औरतें हैं वो ये काम में माहिर है, तो हमने उनके सरपंच को कांटेक्ट किया, वो तैयार हो गए, उनके साथ 30-40 महिला तैयार हो गई, वो आई। उसके बाद में एक के बाद वो जुड़ना चालू हो गई, आसपास में बात करना चालू हो गई कि हाँ हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें मिलिट्री की मदद करना है, मिलिट्री वाले ने मदद मांगी है तो हमारी ज़रूरी है कि मदद करना चाहिए। इस करके उनको इसमें जो देशभक्ति का वो जाग उठा बहुत। उन्होंने फिर बोला कि कुछ भी हो जाए हमारे, हम मर भी जाए मगर हम ये काम करके रहेंगे। इस ये जज्बे के साथ वो आई, जहाँ पर आदमी नहीं आते थे उसके आसपास, एयरफील्ड के आसपास जो आदमी नहीं आते थे, अंदर आना तो छोड़ो, वहाँ पर ये औरतें अंदर आई, वॉर जोन में आई, रनवे पे आई, टाइम बम फट रहे थे, दुश्मन के हवाई जहाज आ रहे थे, ये माहौल में उन्होंने काम करके ये रनवे एकदम से फर्स्ट क्लास रिपेयर करके हमको फिर से ऑपरेशन बना दिया। पंजाब से जो स्क्वाडन आना था वो आ गया हमने, मगर उसके बाद में 16 तारीख को सीज फायर हो गया, लड़ाई बंद हो गई। 16 तारीख को हम विजय दिवस मनाते हैं 71 वॉर का। बस तो इस ये ऐसी कहानी है। तो जो उसकी हिस्ट्री थी कि इतने औरतों ने काम किया, भी बहुत हिम्मत से काम किया, तो इससे से बहुत सीखने की बात है, सबको सीखने की बात है कि भैया कभी भी देश पर बहुत संकट आ जाए तो हमने भाग के जाना चाहिए, वो इस पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि आर्मी और ये डिफेंड करेंगे, आपने भी मदद करना चाहिए, किसी न किसी तरह का मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जाके रनवे उनके सामान रिपेयर करो। भी हम देखते हैं कि लड़का जाना चाहता है मिलिट्री में मगर उसके माँ बाप नहीं जाने देते। मेरे पास बहुत आए, बहुत लड़के आते हैं, सर मैं जाना चाहता हूँ, मेरे को बताओ कैसे जाना। अभी जब आप पूछ रहे हैं, अभी ये आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये यूथ मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, फलाना ज्वाइन करते हैं, तो पहली बात तो जो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता है उसने काफ़ी मेहनत करना चाहिए। दो चीज़ें की मेहनत करना चाहिए, एक तो पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क लेने चाहिए, दूसरी बात अपनी तबीयत एकदम दुरुस्त रहना चाहिए, ना तो पढ़ के खाना चाहिए ना ये करना चाहिए, एकदम दुरुस्त ये रहना चाहिए, अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहिए, रोज़ पार्क में जाके इधर उधर दौड़ लगाना चाहिए, 1 किलोमीटर उसके बाद नहीं थके तो उसको बढ़ाना चाहिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ऐसा स्टैमिना बहुत की ज़रूरत रहती है मिलिट्री में। अब 14 दिन की जो लड़ाई हुई, मैंने करीब 14 दिन मैंने सोया नहीं, मैं थोड़ा इधर उधर खाता था, पास में मेरा घर था मगर मैं घर नहीं गया, नहीं जा सका, उधर ही रहा। और फिर मेरा स्टैमिना ऐसा नहीं हो गया कि मैं थक के सो गया या तो बेहोश हो गया, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतनी ऐसी तरह की ट्रेनिंग दी थी। तो इसलिए यदि आपको स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा, उसमें अच्छे मार्क स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे अच्छे मार्क लाने पड़ेंगे, और तब आपकी और सबको इज्जत करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तो इस तरह का वो साइकोलॉजिकल मेकअप आप हो जाएगा, जो मिलिट्री तुम्हारे टेस्ट करेगी तो आप जाओगा। आप यदि बदमाश होंगे, रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करते होंगे, सिगरेट और ये खामोखा की चीज़ों में ये करते होंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं करते होंगे और बस लोगों को इज्जत नहीं देते होंगे, तो आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो बहुत ख़राब होगा, वो उन लोग पकड़ लेंगे मिलिट्री वाले, इस तरह से होता है। तो मेरा यही है कहना है कि यदि आप जाना, और दूसरी बात है कि पहले आप
माता पिता को समझाओ कि मुझे जाना है, क्योंकि बहुत से 90% जो माता पिता वो आपको जाने नहीं देंगे।